तो फिर मैं इस टॉपिक पे दो बार वीडियो बना चुका हूँ कि YouTube का अबाउट सेक्शन का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसे आप चेंज कैसे कर सकते हो या फिर नया डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हो। तो इन बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं उसी के लिए फिर से मैं आज आपको पूरा बारीकी तरीके से पूरा अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप चेंज कर सकते हो। मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा, पहले आप यूट्यूब ऐप से चेंज कर सकते हो, दूसरा तरीका अब मैं आपको क्रोम ब्राउज़र में लेकर समझाऊंगा कैसे आप वहाँ से चेंज कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू के अंत तक जरूर देखिएगा, आप एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपका चेंज नहीं होगा। फिर तो सबसे पहले अब मैं आपको YouTube एप्लीकेशन में लेकर चलता हूँ। YouTube एप्लीकेशन में ले जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पर चेंज करना है। तो सिंपली आपको YouTube का आपका जो लोगो है, सिंपली आपके लोगो के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको योर चैनल वाले में जाना होगा। योर चैनल में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिट चैनल का एक ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंसिल का एक आइकन बना है, आपको पेंसिल का आइकन के ऊपर क्लिक करना है। पेंसिल का आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप सिंपली ओके कर दीजिएगा तो आपका डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो फिर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे यहाँ पर जो है एक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर जब भी अबाउट में जाऊँगा तो अबाउट में जाने के बाद देख सकते हैं मेरे यहाँ पर कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखा नहीं है। तो सिंपली मैं आपको क्रोम ब्राउज़र में ले जाने के बाद मैं पूरा प्रोसेस समझा दूंगा कैसे आपको डिस्क्रिप्शन चेंज भी कर सकते हो, आप नए तरीके से लिख भी सकते हो। तो सिंपली आपको लेके चलता हूँ मैं क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन में। तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, और क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप स्वाइप पे कर देता हूँ। डेस्कटॉप स्वाइप पे करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर यूट्यूब सर्च कर लेना। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब सर्च कर लेता हूँ। यूट्यूब सर्च करने के बाद सिंपली आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो रहा है। यूट्यूब ओपन होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपना चैनल के लोगों के ऊपर क्लिक कर देना। तो मैं सिंपली यहाँ पर मेरे चैनल के लोगों को ऊपर क्लिक कर देंगे। तो फिर चैनल के लोगों के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर योर चैनल वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप योर चैनल वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सिंपली आपको कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पर कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगर ऐसा ऑप्शन शो हो जाता है, सिंपली आप यहाँ पर कंटिन्यू टू स्टूडियो के ऊपर क्लिक कर दोगे। मैं यहाँ पर कंटिन्यू स्टूडियो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू टू स्टूडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आप देख सकते हैं आपका अगर यहाँ रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपका कुछ इस तरह से आपका ऑप्शन आ जाएगा तो इस तरह से ऑप्शन आने के बाद सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जो डॉलर वाला आपका निशान यहाँ पर बना हुआ, आइकन बना हुआ, उसके नीचे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर आपको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सिंपली आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर चैलेंज डिस्क्रिप्शन लिखा आ गया। सिंपली आप यहां पर डिसीजन लिख के आप वहां पर चेंज भी कर सकते हो और नया डिसीजन भी लिख सकते हो। मैं आपको यहां पर कुछ लिख कर देता हूं, जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं फ्रेंड, हेलो फ्रेंड। मैं ऐसे कर कुछ दो शब्द मतलब दो वर्ड यहाँ पर लिख दिया हूँ। उसके बाद में यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना, पब्लिश कर देना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पब्लिश हो रहा है। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पर चेंज पब्लिश गो टू योर चैनल, मतलब पब्लिश जो हो गया है। सिंपली आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे अबाउट सेक्शन अभी चेंज हो नहीं, देख सकते हैं हेलो फ्रेंड लिखा करके यहाँ पर आ गए, मतलब चेंज हो गया है। तो फिर ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो। मैंने दो वीडियो बना चुका हूँ फिर भी लोगों को मतलब वहाँ पर दिक्कत आ रही है, उसका चेंज नहीं हो रहा, तो मैं फिर से एक वीडियो आपको लिए बना दिया। तो फिर ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो। सिंपली मैंने आपको जो स्टेप बताया सभी स्टेप को फॉलो करके आप अपने अबाउट सेक्शन का डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो, नए तरीके लिख भी सकते हो। तो लेकिन फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड आज का वीडियो इतना ही, तब दिलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।